सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हारलेकर ने शिरकत की। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति सीआर चंदन ने राज्यपाल को शॉल टोपी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। वहीं इस दौरान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हारलेकर ने कहा कि स्वास्थ्य और कृषि में हमारी पारंपरिक गतिविधियों को विश्वविद्यालय के माध्यम से बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि समाज को वास्तविक लाभ मिल सके। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा प्रणाली को फील्ड वर्क से जोड़ना होगा, जिसके लिए छात्रों के लिए नियमित रूप से फील्ड विजिट का आयोजन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल में समृद्ध जैव विविधता है और इस पर बहुत ध्यान दिया जाएगा। इसे ग्रामीणों की मदद से, रिसर्च फॉलो की मदद से ठीक से प्रलेखित किया जाएगा, क्योंकि उन्हें स्थानीय पौधों की प्रजातियों का बेहतर ज्ञान है। इतने सभी सालों से हमने प्रकृति का नैसर्गिक नेचुरल जो रिसोर्सेस है उसका हमने दोहन किया है। नाउ इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिजर्व दैट, उसको और बढ़ाना है, दोहन को नहीं, उसको प्रिजर्वेशन के बारे में। तो इट हैज बीन अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट आर वी गोइंग टू गिव इन द हैंड्स ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन? ओनली दिस मच, नथिंग एल्स। और कुछ हम दे नहीं पाएंगे, हम एक टेबल नहीं दे पाएंगे, माइक नहीं दे पाएंगे। व्हाट वी विल हैव टू गिव देम इज अवर इकोलॉजी, अवर पृथ्वी जो है संसार है, वो उनके हाथ में हम देने की, वो जिम्मेदारी हमारी है। हमारी का मतलब आई एम इंक्लूडिंग माई सेल्फ इन दैट, मैं इससे भाग नहीं सकता। आई कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और इसलिए इस यूनिवर्सिटी में अनेक प्रकार के अनुसंधान हो सकते हैं, रिसर्चेस हो सकते हैं, विचारों का आदान प्रदान हो सकता है। जैसे कि हमारी बच्ची ने, बेटी ने बताया कि वो स्लाइड्स यहाँ अच्छे बनते हैं और कहाँ ठीक नहीं। वहीं उन्होंने युवाओं में नशे के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हिमाचल एक पर्यटन स्थल है, इसलिए हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए ऐसी चीजों पर अधिक सतर्क रहना चाहिए। का विषय रखा उसी तरह में और एक विषय जो हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश को एक डेंजर के रूप में, एक बहुत ही असुविधा चुका है, मैं पता नहीं, परंतु ऐसा एक विषय है जो कि आने वाली पीढ़ी को अपनी बर्बाद कर सकता है, वो है ड्रग्स। वी आर अ न्यू यूनिवर्सिटी, वी आर इन्फेंट। एट दिस स्टेज वी कैन डू दैट। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में मैं जाता हूँ, वहाँ उस समय वहाँ के बच्चों के साथ, वहाँ फैकल्टी मेंबर्स के साथ बातचीत करता हूँ, तो पता चलता है कि ड्रग्स हैव ऑलरेडी एंटर्ड इन देयर कैंपस। वी विल नॉट अलाउ दिस। कैन वी टेक दैट ओथ? कैन वी टेक दैट प्लेज? नहीं, हमारे यूनिवर्सिटी में नहीं आएगा। ड्रग्स का मेनेंस कैसा है आप सभी जानते हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी जो है, आने वाले जनरेशन में, आई डो नॉट नो वॉट विल बी इट्स फ्यूचर। अनफॉर्चुनेटली हिमाचल प्रदेश में ये बढ़ता है, एंड आई कैन नॉट टेक प्राइड इन दिस। आई फील अशेम्ड ऑफ दिस। अगेन आई हैव अनदर रीजन टू बी अशेम्ड कि दिस ड्रग रिलेशन इज स्टिल रीचिंग टू गोवा। गोवा और हिमाचल प्रदेश का ड्रग का रिलेशन। के चैनल के लिए मंडी से शिवानी की रिपोर्ट।